हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नगीगी वाथियांगो। नगीगी वाथियांगो के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, उनकी लाइफ, उनकी एजुकेशन, उनके अवार्ड्स, उनके प्लेस, उन सबसे रिलेटेड आज इस वीडियो में कंप्लीट हम डिटेल में बात करेंगे। बॉर्न जेम्स नगीगी, और ये जब बॉर्न हुए थे उसके बाद जो उनका नाम था वो था जेम्स नगीगी, और ये बॉर्न हुए थे 5 जनवरी 1938 को बॉर्न हुए थे। इज अ केनियन राइटर, ये केन्या के एक ऑथर हैं, राइटर हैं, और यूजीसी नेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हैं। ये एक ब्लैक राइटर है, केन्या ऑथर राइटर है, कॉमनवेल्थ राइटर इनको आप कह सकते हो, मार्जिनल राइटर भी आप इनको बोल सकते हो। तो यूजीसी नेट में इनसे, इनके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। हिज वर्क्स इंक्लूड नॉवल्स, प्ले, शॉर्ट स्टोरीज एंड ऐसे। उनकी वर्क्स में उन्होंने नॉवल्स भी राइट किए, प्लेज भी, शॉर्ट स्टोरीज भी, एसेज भी, रेंजिंग फ्रॉम लिटरी एंड सोशल क्रिटिसिज्म, लिटरी और सोशल क्रिटिसिज्म भी उन्होंने किया है, टू चिल्ड्रंस लिटरेचर, और उन्होंने चिल्ड्रंस बुक्स भी राइट की हैं। सबसे पहले इनकी बायोग्राफी हम देख लेते हैं। नगीगी वॉज बॉर्न इन कमेरीथू नियर लिमुरू इन कियाम्बू डिस्ट्रिक्ट केन्या एज जेम्स नगीगी, और ये जो केन्या के लोकल नेम्स हैं ये केन्याई नेम्स हैं। तो ये बोर्न हुए थे केन्या के अंदर, और इनका नाम जो रखा गया वो रखा गया था जेम्स नगीगी। हिज फैमिली वॉज कॉट अप इन द माओ माओ अपराइजिंग, और उनकी फैमिली जो है वो माओ माओ आंदोलन के दौरान बहुत ही ज्यादा परेशान हुई थी, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स इनके एक्सपायर हो गए थे। हिज हाफ ब्रदर मवांगी वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द केन्या लैंड एंड फ्रीडम आर्मी, और मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक्चुअली क्या था। माओमाओ अपराइजिंग एक्चुअली एक फ्रीडम मूवमेंट था इसके अंदर, केन्या के अंदर, और एक तरफ माओमाओ जो थी ये वहाँ की लोकल कम्युनिटी जो थी केन्या में रहने वाले वो लोग थे, प्लस ब्रिटिश आर्मी के बीच में ये फाइट हुई थी, और ब्रिटिश आर्मी ने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया था यहाँ के लोगों के ऊपर, और करीबन करीबन जो एस्टिमेट बताया जाता है 50,000 लोग इसके अंदर मारे गए थे। उन्होंने जितने भी यहाँ पे रहने वाली लोकल कम्युनिटी थी यहाँ की केन्या की, उन सबको ऑलमोस्ट मार दिया था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, भूख से बहुत ही ज़्यादा इनके साथ बुरा व्यवहार हुआ था। तो इसी के अंदर जो इसका भाई था जेम्स नगीगी का, वो भी इसके जो वहाँ की मेन जो आर्मी थी, लोकल आर्मी थी, उसको कहा जाता था केन्या लैंड एंड फ्रीडम आर्मी, और इसके भाई जो है इसका एक पार्ट था, ड्यूरिंग विच ही वॉज किल्ड, और इसके दौरान इसका भाई मर गया था। अनदर ब्रदर, जो इनका दूसरा भाई था, वो शूट ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, और इसको स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है, उसके दौरान इसके दूसरे भाई को भी गोली लगी थी, वो भी एक्सपायर हो गया था। एंड हिज मदर वॉज टॉर्चर्ड एट कमेरीथू, और इसकी माँ को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था कमेरीथू के अंदर। तो ये सारी बैकग्राउंड की सिचुएशंस थी जेम्स नगीगी के टाइम की, जब उनके बचपन की ये टाइम की बातें थी। ही वेंट टू अलायंस हाई स्कूल, उसके बाद जेम्स नगीगी जेम्स हाई स्कूल गए, एंड वेंट ऑन टू स्टडी एट मैकेरे यूनिवर्सिटी कॉलेज इन कंपाला युगांडा, और उसके बाद इन्होंने अपनी जो यूनिवर्सिटी जो है जो कि वो युगांडा से की, उन्होंने आगे की पढ़ाई, कॉलेज जो एजुकेशन उन्होंने की। एज ए स्टूडेंट ही अटेंडेड द अफ्रीकन राइटर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट मैकेरी इन जून 1962, और 1962 के अंदर जब वो कॉलेज स्टूडेंट थे तब वहाँ पे एक अफ्रीकन राइटर कॉन्फ्रेंस हुआ था 1962 के अंदर। एंड हिज प्ले द ब्लैक हर्मिट, और उनका जो प्ले था ब्लैक हर्मिट, प्रीमियर एट पार्ट ऑफ द इवेंट एज नेशनल थिएटर, और नेशनल थिएटर के अंदर इनका जो प्ले था ब्लैक हर्मिट वो
प्रीमियर हुआ था, यानी वो उसको पब्लिश सॉरी उसको दिखाया गया था वहां पे एट द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के अंदर नगीगी आस चेनवा अचेबे टू रीड द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ हिज नॉवल द रिवर बिटवीन एंड वीप नॉट चाइल्ड। और वहीं पे कॉन्फ्रेंस में ही इन्होंने चिन्वे अचीबी को कहा था कि वो उनकी उनके जो नॉवेल्स है द रिवर बिटवीन एंड द वीप नॉट चाइल्ड, ये दोनों ही इनके नॉवेल्स हैं, उनकी मैनुस्क्रिप्ट रीड कर दे विच वुड सब्सिक्वेंटली बी पब्लिश इन हेनीमान्स अफ्रीकन राइटर सीरीज। और उसके बाद ये दोनों ही नॉवेल्स इनके पब्लिश हुए थे, एक हेनीमान्स अफ्रीकन राइटर सीरीज थी उसके अंदर ये पब्लिश हुए थे, लॉन्च इन लंदन दैट ईयर, और लंदन के अंदर लॉन्च हुई थी उसी साल, विच अचीबी वॉज इट्स फर्स्ट एडवाइजरी एडिटर। और इसके चेनवा अचीबे जो थे फर्स्ट एडवाइजरी एडिटर रहे थे इस सीरीज के, हेनीमान्स अफ्रीकन राइटर सीरीज के। और इन्होंने चेनवा अचीबी ने ही इनके मैन्युस्क्रिप्ट्स की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी वो पढ़ी थी इनके नॉवेल्स की। Nagigi received his BA in English from Makerere University College, Uganda in 1963. और BA इनकी हुई Uganda से 1963 के अंदर। Nagigi has frequently been regarded as a likely candidate for the Nobel Prize in Literature. और ये बार बार ये माना जाता है कि Nagigi deserve करते हैं कि उनको literature का Nobel Prize मिलना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी डिजर्व करते हैं, काफ़ी एक बहुत ही जिनकी लाइफ टाइम जो होता है वो पूरा लिटरेचर की को राइट करने में गया है। ही वॉन द 2001 इंटरनेशनल नोनिनो प्राइज इन इटली, और इनको इंटरनेशनल निनोना प्राइज मिला था इटली के अंदर 2001 में। एंड 2016 पार्क क्योंगनी प्राइज इनको मिला था। Among his children are the authors, और इनके जो बच्चे हैं उनमें से दो जो children हैं उनके authors हैं, एक है मुकोमा व Nagigi and वजीकू व Nagigi, ये इनके बच्चे हैं दोनों, और दोनों के दोनों ही writer हैं ये। अब उनके publications और उनकी studies जो England में हुई है उससे related बात करते हैं। His debut novel Weep Not Child, उनका सबसे पहला जो novel था वो था Weep Not Child, was published in May 1964, becoming the first novel English to be published by writer from East Africa. East Africa से English में publish होने वाला ये एक पहला novel था Weep Not Child, जो कि publish हुआ था। Later that year, उसी साल के अंत में, having won a scholarship to the University of Leeds to study for an MA, Nagigi traveled to England. और उसके बाद इनको scholarship मिली University of Leeds की तरफ से, और वो studies करने के लिए वहाँ आ गए, where he was when his second novel, The River Between, came out in 1965. और यहीं पे 1965 में उनका novel आया The River Between. The River Between, which has its background the Mau Mau uprising, और obviously उनके जो बचपन में जो Mau Mau rebellion या जो Mau Mau uprising जो हुआ था उनके बेस पे ही जो ये novel based था The River Between, और described an unhappy romance between Christians and non-Christians, और इसके अंदर दिखाया गया है Christian और non-Christians का romance जो है वो unhappy romance दिखाया गया है। was previously on Kenya National Secondary School syllabus, और पहले जो था ये Kenya के National Secondary School के अंदर syllabus में भी include किया गया था The River Between. He left Leeds without completing his thesis on Caribbean literature, और बाद में उन्होंने Leeds छोड़ दिया Caribbean literature में जो अपनी thesis उन्होंने complete कर रहे थे वो उन्होंने बीच में ही छोड़ दी, for which his studies has focused on जॉर्ज लेमिंग, और बाद में उन्होंने अपने फोकस जो है वो जॉर्ज लेमिंग पे कर दिया था। एक राइटर हैं ये भी, ब्लैक राइटर थे, अबाउट होम Nagigi सेड इन 1972 कलेक्शन ऑफ एसेज होमकमिंग ही अवोक फॉर मी एन अनफॉरगेटेबल पिक्चर ऑफ पीजेंट रिवोल्ट इन अ वाइट डोमिनेटेड वर्ल्ड। उन्होंने जॉर्ज लेमिंग के बारे में कहा था, होमकमिंग एक उनका कलेक्शन ऑफ एसेज आया था उसके अंदर उन्होंने कहा था, ही इवोक्ड फॉर मी, वो मेरे लिए खड़े हुए एक अनफॉरगेटेबल पिक्चर है पीजेंट्स रिवोल्ट की, और एक वाइट डोमिनेटिव वर्ल्ड के अंदर जो पीजेंट रिवोल्ट की जो पिक्चर है वो कभी ना भूलने वाली है। तो उन्होंने अपना पूरा फोकस जॉर्ज लेमिंग के ऊपर कर दिया था,
और अपनी थीसिस बीच में छोड़ दी थी। ही इज फाउंडर एंड एडिटर ऑफ द गिक्यू लैंग्वेज जर्नल मोतीरी, और उन्होंने बाद में एक खुद का एक जर्नल स्टार्ट किया, और जो अपनी उनकी केनियाई लैंग्वेज थी उसके वो फाउंडर भी रहे हैं और एडिटर भी रहे हैं। और वो जर्नल था जर्नल मोतीरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस जर्नल का नाम क्या था। मोतीरी उस जर्नल का नाम था जो उन्होंने फाउंड की थी और जिसके एडिटर भी रहे थे। और ये किस लैंग्वेज में थी, तो ये इंग्लिश या केनियाई लैंग्वेज, ये वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें थी। और ये लोकल लैंग्वेज है गिक्यूयू, ये किक्यू और गिक्यूयू दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जाता है वर्ड। हिज शॉर्ट स्टोरी द अपराइट रेवोल्यूशन और व्हाई ह्यूमंस वर्क अपराइट इज ट्रांसलेटेड इनटू 100 लैंग्वेजेस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और उनकी शॉर्ट स्टोरी जो है द अपराइट रेवोल्यूशन और व्हाई ह्यूमंस वर्क अपराइट, वो वर्ल्ड की 100 लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट हो चुकी है। इतनी इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है ये उनकी। अब बात आती है चेंज ऑफ नेम, कि उन्होंने अपना नाम क्यों चेंज किया, आइडियोलॉजी क्या उनका दृष्टिकोण था, एंड टीचिंग्स और क्या उनकी टीचिंग्स रही है। नगीगी 1967 नोवेल अ ग्रेन ऑफ वीट मार्क्ड हिज एम्ब्रेस ऑफ फेमिनिस्ट मार्क्सिज्म। और नगीगी का जो नोवेल आया था 1967 का नोवेल आया था अ ग्रेन ऑफ वीट, उसके बाद उन्होंने फ्रेंच फैनन का जो मार्क्सिज्म था उसको एम्ब्रेस किया था, उसको गले लगा लिया था, यानी वो एक फेनन मार्क्सिस्ट बन गए थे। ही सबसिक्वेंटली रिनाउंस्ड राइटिंग इन इंग्लिश, और उसके बाद इन्होंने इंग्लिश में राइटिंग करना छोड़ दिया था। पहले वो इंग्लिश में राइट करते थे लेकिन बाद में उन्होंने इंग्लिश में राइट करना छोड़ दिया था। एंड नेम जेम्स नगीगी एज कॉलोनिस्ट, और उन्होंने कहा कि जो राइटिंग इंग्लिश में राइटिंग करना प्लस उनका नेम दोनों ही कॉलोनियलिस्ट चीजें हैं, और दोनों की दोनों उन्होंने छोड़ दी। बाय 1970 ही हैज चेंज्ड हिज नेम, 1970 में उन्होंने अपना नाम चेंज किया टू नगीगी वाथ्यांगो एंड बिगेन टू राइट हिज नेटिव गिक्यू, और उन्होंने अपनी जो नेटिव लैंग्वेज थी गिक्यू उसमें राइट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो उनका नाम है वो भी कहीं ना कहीं इंग्लिश जो कॉलोनी से इंस्पायर है, यानी वो कॉलोनियल रूल का कहीं एग्जाम्पल है। और दूसरी बात, जो वो इंग्लिश में राइट कर रहे हैं वो भी कॉलोनियल माइंडसेट है, हमारी खुद की अपनी लोकल लैंग्वेज है जिसमें हमें लिखना चाहिए और हमें उस पर प्राउड फील करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बाद में आके अपनी जो नेटिव लैंग्वेज थी गिक्यूयू उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया। तो आपसे यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नियोगी वाथ्यांगो की लैंग्वेज कौन सी है, कौन से वर्ग उनके वर्क्स जो है वो उनकी लैंग्वेज कौन सी है। तो 1970 तक वो इंग्लिश में राइट करते थे लेकिन 1970 के बाद के उनके जितने भी वर्क हैं वो सारे उनकी नेटिव लैंग्वेज गिक्यूयू में है। इन 1967 नगीगी आल्सो बिगन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी एज ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। 1967 के अंदर वो नैरोबी में पढ़ाना उन्होंने एज ए प्रोफेसर स्टार्ट कर दिया इंग्लिश लिटरेचर में। He continued to teach at the University of 10 years. यहाँ पे उन्होंने 10 years तक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया। He has been described as having considered East Africa leading novelist. और उनको ईस्ट अफ्रीका का मेन इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट माना जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम ही आल्सो गेस्ट लेक्चर एट नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, और इस टाइम के दौरान उन्होंने वो गेस्ट लेक्चर भी दिए नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश और अफ्रीकन स्टडीज एक साल के अंदर इन्होंने गेस्ट लेक्चर भी दिए। अब बात करते हैं इम्प्रिजनमेंट की, उनकी जेल के बारे में बात करते हैं कि कैसे उनको जेल हुई, किस कारण से हुई, किस बात पे हुई। इन 1976 थियोंगो हैड टू एस्टैब्लिश द किमिरिथो कम्युनिटी एजुकेशन एंड कल्चरल सेंटर। 1976 के अंदर थियोंगो ने हेल्प की कि एक किमिरिथो कम्युनिटी एजुकेशन और कल्चरल सेंटर बनाया जाए, अमंग अदर थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड अफ्रीकन थिएटर इन द एरिया, और उसके साथ साथ अफ्रीकन थिएटर भी एरिया के अंदर बनाया गया। द फॉलोइंग ईयर सा द पब्लिकेशन ऑफ पिटल्स ऑफ ब्लड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है थियोंगो का पिटल्स ऑफ ब्लड, तो ये इसके इस साल ही इसका पब्लिकेशन हुआ।
इट्स स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज, और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज दिया गया था। एंड दैट ऑफ हिज प्ले, और जो ये प्ले था वो था नगाहिका नदीन निंदा, और ये केनियाई लैंग्वेज में है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है आई विल मैरी व्हेन आई वांट। ये वर्क उन्होंने, ये प्ले उन्होंने राइट किया था आई विल मैरी व्हेन आई वांट, कोरिटन विद नगीगी वा मीरी, और ये इन्होंने राइट किया था नगीगी वा मीरी। ये भी एक केनियाई राइटर थे नगीगी वा मीरी, और इन दोनों को ही एंड ऑल्सो पब्लिश इन 1977, जो कि 1977 के अंदर पब्लिश हुआ। Provoked the then Kenyan vice president Daniel Arap Moi to order his arrest. और इसी नॉवल के बेस पे वहां के केन्या के जो वाइस प्रेसिडेंट थे डेनियल अराब मोई, उन्होंने इन दोनों के अरेस्ट के लिए ऑर्डर दे दिया, और उसके बाद इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया अलोंग विद कॉपी ऑफ हिज प्ले। इनके जो प्ले की कॉपीज थी वो भी छीन ली गई। बुक्स बाय कार्ल मार्क्स, और उनके पास जो कार्ल मार्क्स की बुक्स थी, फ्रेडरिक एंजल्स एंड व्लादिमीर लेनिन, यानी इनकी जो भी बुक्स थी वो भी सारी इनसे ले ली, और उसके साथ साथ इनके प्ले की जो कॉपी थी वो भी इनसे ले ली। ही वॉज सेंट टू कमिटी मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन, और इनको कमिटी मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन भेज दिया गया, एंड कैप देयर विदाउट अ ट्रायल फॉर नियरली अ ईयर, और एक साल तक विदाउट ट्रायल यानी विदाउट हियरिंग इनको वहां पे रखा गया, इन दोनों ही राइटर्स को, यानी नगीगी वा थियांगो और नगीगी वा मीरी, ये दोनों ही राइटर्स को जेल में डाल दिया गया एक साल के लिए। ही वॉज इन प्रिजन इन ए सेल विद अदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनको बाकी जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनके साथ जेल में डाल दिया गया। ड्यूरिंग पार्ट ऑफ देयर इम्प्रिजनमेंट दे वर अलाउड 1 आवर ऑफ सनलाइट अ डे, और दिन में 1 घंटे के लिए इनको सनलाइट में बाहर आने की परमिशन मिलती थी। He found solace in writing and wrote the first modern novel. उनको अपने राइटिंग में ही आराम मिलता था, इसलिए उन्होंने अपना फर्स्ट मॉडर्न नॉवल जो है वो जेल में ही राइट किया इन गिक्यूयू, और ये फर्स्ट नॉवल था जो इन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखा था, गिक्यूयू लैंग्वेज में लिखा था। डेविल्स ऑन द क्रॉस ये इनका नॉवल था जो इन्होंने राइट किया था जेल में। ऑन प्रिजन इशूड टॉयलेट पेपर, और इनके पास जैसे कि मैंने बताया था जो इनकी सारी बुक्स थी वो सारी इनसे ले ली गई थी, तो इनके पास राइटिंग का कोई सोर्स नहीं था, तो जेल के अंदर जो इनको टॉयलेट पेपर मिलता था उसके ऊपर इन्होंने अपना नॉवल राइट किया था डेविल ऑन द क्रॉस। During his time in prison, और prison में Nagigi made the decision to cease writing his plays and other works in English and began writing all his creative works in his native tongue Gikuyu. और जैसे कि मैंने बताया था कि इन्होंने Gikuyu में ही ये first novel लिखा था jail के अंदर ही, तो इन्होंने decide किया कि वो यहाँ से jail के अंदर वो decide किया इन्होंने कि वो English में write करना छोड़ देंगे, और उन्होंने अपने native जो language थी उनमें लिखना start कर दिया था। His time in prison also inspired the play The Trial of Didan की माथी, और जो जेल में रहे थे उसी ने इनको इंस्पायर किया कि इन्होंने प्ले लिखा था द ट्रायल ऑफ द दीदान का मीथी, जो कि 1976 के अंदर पब्लिश हुआ। He wrote this in collaboration with Mikiri Kithi Mugo, और ये भी एक फेमस केन्याई पोइट है, ऑथर है, चिल्ड्रन राइटर है और एक्टिविस्ट है मुगो, ये फीमेल राइटर है। आफ्टर हिज रिलीज इन दिसंबर 1978, और दिसंबर 1978 के अंदर रिलीज होने के बाद जेल से नगीगी एंड हिज फैमिली वर फोर्स्ड टू लिव इन एग्जाइल, वो और उनकी फैमिली एग्जाइल में रही, यानी उनको देश छोड़कर जाना पड़ा। His later works include Detained, His Prisoner Diary, Prison Diary 1981, और उनके जो बाद के वर्क हैं वो है Detained, His Prison Diary, जो कि 1981 के अंदर पब्लिश हुई। अब ये सारी चीजें थी, उसके बाद वो लंदन आ गए, यहाँ पे रहने लगे, तो यहाँ की पे आके इन्होंने नॉवल्स और सारे वर्क्स लिखे। उसके बाद
काफी टाइम बाद वो बाद में एक महीने के लिए केन्या वापस के गए, लेकिन वहां पे भी इनको बहुत ज्यादा हरिशमेंट की गई, इनका घर लूट लिया गया, इनका जितना भी सामान था वो सारा लूट लिया गया, तो ऐसा कुछ हुआ था इनके साथ। तो अब इनके नॉवेल्स के बारे में बात करते हैं, बहुत ही फेमस नॉवेल्स इन्होंने राइट किए। सबसे पहला नॉवल है वीप नॉट चाइल्ड, जो कि 1964 के अंदर पब्लिश हुआ। द रिवर बिटवीन 1965 में पब्लिश हुआ। अ ग्रेन ऑफ वीट 1967 में पब्लिश हुआ। पीटल्स ऑफ ब्लड 1977 के अंदर पब्लिश हुआ। सितानी मथुराबा एनी, यानी ये बाद में जब लिखने लग गए थे अपनी नेटिव लैंग्वेज में, तो उसमें नेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है डेविल्स ऑन द क्रॉस 1980 में पब्लिश हुआ। मितिगारी मा निजुरुगी 1986 के अंदर पब्लिश हुआ, मैतिगारी, और उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, इंग्लिश बाय बंगिंगी वा गोरो। जैसे मैंने बताया है कि ये एक फीमेल पोइट है और इन्होंने इनके इनके वर्क को ट्रांसलेट किया है 1989 में, इसको ट्रांसलेट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्क का है इनका विजार्ड ऑफ द क्रो 2004 के अंदर, द परफेक्ट नाइन, द एपिक ऑफ गिकुयू एंड मुंबी 2020 के अंदर पब्लिश हुआ ये। अब इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के बारे में बात करते हैं, ए मीटिंग इन द डार्क 1974, सीक्रेट लाइव्स एंड अदर स्टोरीज 1976, मिनट्स ऑफ ग्लोरी एंड अदर स्टोरी 2019। अब इनके मेमोर्स के बारे में बात करते हैं, डिटेन्ड, अ राइटर्स प्रिजन डायरी 1981, ड्रीम्स इन ए टाइम ऑफ वार, अ चाइल्डहुड मेमोयर 2010, In the House of the Interpreter, a memoir 2012, Birth of a Dream Weaver, a memoir of a Writer's Awakening 2016, Wrestling with the Devil, a Prison Memoir 2018। अब इनके प्लेस के बारे में बात कर लेते हैं, The Black Hermit, This Time Tomorrow, और इसके अंदर थ्री प्लेज हैं, और ये थ्री प्लेज हैं द रिबेल्स, द वाउंड इन द हार्ट एंड दिस टाइम टुमारो। ये 1970 के अंदर पब्लिश हुआ था, तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दिस टाइम टुमारो के अंदर कौन कौन से वर्क हैं, तो दिस टाइम टुमारो में एक तो यही है दिस टाइम टुमारो, और दो हैं द रिबेल्स, द वाउंड इन द हार्ट। नेक्स्ट है होम कमिंग, एसे ऑन अफ्रीकन एंड कैरिबियन लिटरेचर कल्चर एंड पॉलिटिक्स 1972, द ट्रायल ऑफ दीदान किमाथी 1976, नगाहिका नदींदा इथोकोरिया नगेरी कानो, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था आई विल मैरी व्हेन आई वांट, जो कि 1977 के अंदर पब्लिश हुआ था, जिस वर्क की वजह से उनको जेल हुई थी, और इसका ट्रांसलेशन हुआ था 1982 में, और 1982 में इसका ट्रांसलेशन किया था नगीगी वा मेरी। उसके उनके अदर नॉन फिक्शंस के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन फॉर अ नेशनल कल्चर 1981, बैरल ऑफ ए पेन, रेजिस्टेंस टू रिप्रेशन इन न्यू कॉलोनियल केन्या 1983, मदर सिंग फॉर मी 1986, राइटिंग अगेंस्ट न्यू कॉलोनियलिज्म 1986, डी कॉलोनाइजिंग द माइंड द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर 1986, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका डी कॉलोनाइजिंग द माइंड, और इस वर्क को इवन जो जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी लिया गया है, कि जो इस वर्क के अंदर जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं
कि जरूरी नहीं है जो कॉलोनी है, जो ब्रिटिशर्स है वो अपनी कॉलोनी वहां पे रहकर ही बनाए। उन्होंने बाद में जिनको जिन कंट्रीज को फ्रीडम दी है उनके माइंड को उन्होंने कॉलोनाइज बना दिया है, कॉलोनी बना दिया है, और इसीलिए सब इंग्लिश में काम करने की या जो भी राइटिंग है वो इंग्लिश में करना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि उसको उससे फ्री होने के लिए ये जरूरी है कि हम उस माइंड को डीकोलोनाइज कर दें, मतलब अपने माइंड को फ्री कर दें और जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है उसमें राइट करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है उनका, डीकोलोनाइजिंग द माइंड, मूविंग द सेंटर, द स्ट्रगल फॉर कल्चरल फ्रीडम 1993, पेन पॉइंट्स, गन पॉइंट्स एंड ड्रीम्स, द परफॉर्मेंस ऑफ लिटरेचर एंड पावर इन पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका, द क्लेरेंडन लेक्चर्स इन इंग्लिश लिटरेचर 1996, समथिंग टॉन एंड न्यू एन अफ्रीकन रेनेसा 2009, ग्लोबल एथिक्स थियरी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ नोइंग 2012, सिक्योर द बेस मेकिंग अफ्रीका विजिबल इन द ग्लोब 2016, द लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेजेस 2023। ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉन फिक्शन वर्क्स थे नगीगी वाथियोंगो के। अब उनके चिल्ड्रन बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। निजाम्बा नैनी एंड द फ्लाइंग बस 1986, निजाम्बा नैनी एंड द क्रूअल थीफ 1988, निजाम्बा नैनीज पिस्टल 1990, द अपराइट रेवोल्यूशन और वाई ह्यूमंस वॉक अपराइट 2019। ये कुछ इनकी चिल्ड्रन बुक्स हैं नगोगी वो थियांगो की। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ब्लैक राइटर्स को प्रिपेयर करने में, और कॉमनवेल्थ राइटर्स को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उनके लिए, उनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है नगीगी वाथियांगो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।